चाहिए हाथ सरकार, मत जोड़िए, न्याय चाहिए। हाँ हाँ हाथ बहुत गरीब आदमी है ना। एक महेंद्र प्रजापति हूँ, वो भी धमकी दे रहे हैं सरकार। 60 मुसलमान वही है तो स्कूल हुआ है बनवासु, वहीं घेर के और उसे हाथ बांह पकड़ के जबरी करा लगन है कि चलो चलो स्कूल में। वो हाथ बांह तोड़ाती है कि नहीं हम जब वो के जबरी से उठा करके ले जाके बलात्कार करके वीडियो बना के मतलब गांव-गांव में देश में उड़ा देना। और जब आपने एक चीज़ का जिक्र करा कि आपके भाई आरएसएस से थे, आप आरएसएस से थे यानी आपका पक्ष, और उधर दूसरा पक्ष उलेमा कौंसिल से था, हाँ, जो उस समय दोनों संगठन थे। एक हिंदूवादी चेहरे के लिए देखा जाता है, एक मुस्लिमवादी चेहरे के लिए देखा जाता है। तो जब उलेमा काउंसिल एक्टिव होकर आपके मामले में आपके कहा कि वो दबाने का काम कर रही थी, तो आरएसएस उस समय कहाँ थी? इस मामले को लेकर आरएसएस के क्या विचार थे? आरएसएस का विचार उस समय तो मैं जान पाया कारण दादा हाथ मत जोड़िए, ये हम करने के लिए आए हैं, आपका आपकी मदद करने के लिए आए हैं। हाथ मत जोड़िए, हाथ चाहिए सरकार, हाथ मत जोड़िए, न्याय चाहिए। हाँ वो बहुत गरीब आदमी है, हाथ मत जोड़िए, हम हैं, हम आए हैं आपके मदद करने के लिए। रोइए नहीं, हम आए हैं आपकी मदद करने के लिए। जिस प्रकार के कृत्य हुए हैं उसके तह तक हम जाएंगे, भरोसा दिलाते हैं आपको, हम इसमें आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ये सरकार हमारे के डर लगे कि रात के आके मार दे कर दे हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उम्मीद नहीं आती है सरकार। तो सुना आपने, ये दर्द है एक परिवार का जो दलित परिवार है, इसके बच्ची के साथ लगातार एक महीने से कुछ कथित रूप से मुस्लिम युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। ये परिवार इस समय डर के आगोश में है। इस कहानी को आज कवर करने टीम एटीआई चंदवक पहुंची है। इस कहानी के साथ साथ दो कहानी भी कुछ ऐसी मिली है देखने को, जिसमें कह सकते हैं कि आतंक में है चंदवक। चलिए ले चलते हैं आपको कहानी की तरफ। हम आज जहाँ पर आए हैं उसकी बानगी हम यहाँ के लोगों द्वारा ही आपको बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम आपको क्लू देना चाहेंगे कि ये जनपद जौनपुर के किराकत विधानसभा का रसड़ा गांव है, और यहाँ पर ये दलित परिवार है जिनकी नाबालिग बेटी के साथ चार की संख्या में अभी तक मामला ये सामने आया कि चार की संख्या में मुसलमानों द्वारा बलात्कार किया गया, और उसके बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया, जिसमें पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है अब तक की मिली जानकारी के अनुसार। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे इनके परिजनों से कि क्या हुआ है पूरा मामला और कैसे ये सब हुआ। बताइएगा क्या हुआ है, बताइए। हाँ सर, ऐसा ना कि बेटी मेरी सिलाई सीखा जाते नहीं है 4-6 महीना से, वो सिलाई कर रहा था जाती रहनी, 60 मुसलमान वही है तो स्कूल हुआ है बनवासु, वहीं घेर के उसे हाथ बांह पकड़ के जबरी करा लगन है कि चलो चलो स्कूल में। वो हाथ बांह तोड़ाती है कि नहीं हम जब वो के जबरी से उठा करके ले जाके बलात्कार करके वीडियो बना के मतलब गांव-गांव में देश में उड़ा देना है। मेरे बेटा नहीं है, मेरी बेटी है खाली, कोई भरोसा नहीं है। सुनराइन का है काम धंधा है कई की है, बेटी का पालन है तो करत रही है। मेरी बेटी के साथ ही इतनी गद्दारी हो चुकी है। कोई आया था यहाँ पर नेता वगैरह? हाँ आयल है ना, पुलिस भी आयल है ना, मुसलमान आए के यहाँ धमकी चमकी देते हुए, धमकी देते हैं? हाँ धमकी देते हैं कि तुमके मार जाएगा, काट देवल जाएगा, देवल जाई। अब मन बढ़ू हुआ मुसलमान, मन बढ़ू हुए, अरब दुबई कमाते हुए, रुपया वाली पार्टी है, सोचा था कि रुपया है तो दे के थाने पर इसके केस के सरताल देवल जाए। लेकिन साहब हमारे सोचे थे कि जवन तो हो लोगों के हाथ में हो, तमन तो हो लोगों कैसे हम जो हमारे हाथ में वो तो हम कर ही रहे हैं और करेंगे भी आगे। एक महेंद्र प्रजापति हूँ, वो भी धमकी दे रहे हैं सरकार। महेंद्र प्रजापति हमें घूस घूस ले जाके, घूस घास ले के है, और वो सोचा था कि किसी आता सरकार कौन है बिरी बारी में कहूँ है क्या है वो कोई नेता है? हाँ नेता है। अच्छा नेता हूँ, नेता हूँ मैं। वो वही केस दबा रहे हैं, वो केस दबा रहे हैं, वो क्या कहते हैं?
वो ले जाके जौनपुर केस दबा रहे हैं कि मतलब हाँ मामला रफा दफा हो जाए और मामला रफा दफा हो जाए। अब ये महेंद्र प्रजापति के बारे में हम जानने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे, तहकीकात भी करेंगे कि कौन है वो शख्स जो इस प्रकार से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। और साथ में ये भी एक अतिशयोक्ति होती है कि जब इस दौर में जिसे कि रामराज कहा जा रहा है, ऐसे दौर में इन अतताइयों द्वारा इस प्रकार की घिनौनी हरकतें की जा रही हैं, तो फिर समझिए कि जब रामराज नहीं होगा तब क्या होगा। घटना नंबर दो, जब हम चंदवक थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसड़ा गांव की कहानी को खंगालने के लिए पहुंचे तो समझ में आया कि यहां पर धर्म और जाति का लड़ाई काफ़ी समय से चल रहा है, यानी कुछ ऐसे समूह हैं जिसे विशेष समुदाय कहिए या मुस्लिम कहिए, इनके आतंक से लोग त्रस्त नज़र आ रहे हैं। कुछ लगभग 10 साल पुरानी घटना हमें देखने को मिली जो हमें आश्चर्यचकित कर गई। हमेशा हिंदुत्व का हुंकार भरने वाली आरएसएस टीम के साथ भी यहाँ के कुछ लोग जो विशेष समुदाय से थे कुछ ऐसी हरकत किए जो सोचने के बाद शायद रूह तक कांप जाए। चलिए घटना के बारे में वहाँ के चश्मदीद कहिए या फिर जिनके साथ हुआ था घटना उन पीड़ित के भाई कहिए, मैं मिलवाता हूँ और बताते हैं इस पूरे घटना के बारे में कि आखिर 2009 में क्या हुआ था। स्वागत है सर आपका पीटीआई न्यूज़ पे। ये मामले के बारे में आप पहले अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। मैं अमरीश कुमार सिंह, मेरा गाँव यहीं बीड़ी बारी है और घटना मेरे भाई के साथ हुई थी 2009 में। यहाँ के मुस्लिम समुदाय जो एकत्रित होकर मेरे भाई के ऊपर सोते समय घटना को अंजाम दिया गया था और घटना अंजाम देने के बाद उनको बरगलाया गया, मतलब उसको सूचना मिली नहीं। लगभग 10 दिन तक उनकी बॉडी का पता नहीं चला, जानकारी किसी और के माध्यम से मालूम चला गया कि लास्ट समय इनको इनके साथ देखा गया था। अच्छा, 10 दिन तक आप लोग ढूंढ रहे थे अपने भाई को? लगभग 2 या 3 दिन तक तो हम लोग ऐसे घूम फोन से यहाँ वहाँ गए। घटना 4 जून 2009 का है। अच्छा, और आपके आपके भाई किस पद पे थे जरा मैं पूछना चाहूँगा? वो आरएसएस में यहाँ पर कार्य करते थे। अच्छा, नगर के कोई पदाधिकारी थे? बीरी गांव के कार्य देख बीरी गांव का कार्यवाहक थे। अच्छा, ठीक है, कार्य कर देते थे। और घटना के समय मैं यहाँ पर था नहीं, मेरा परिवार यहाँ था, हम लोग एमपी में रहते थे। घटना सूचना जब मैं 4 तारीख को हुआ तो बाई रोड माध्यम से मैं यहाँ आए और यहाँ के लोगों से मिले और जानकारी लेना चाहे, उनका नंबर 2 दिन से लगातार बंद आ रहा था। अच्छा, भाई साहब का तो प्रयास किया जाता था कि नहीं कहीं गए होंगे, नंबर स्विच ऑफ हो गया, बैटरी बंद हो गई होगी, लेकिन जब उनके लोगों से माध्यम से पता करना चाहा तो किसी को कोई सूचना नहीं थी। 4 के बाद मतलब लगभग 2 दिन तक घर यहाँ के लोकल घर जो पिताजी थे और बाकी दोस्तों के ढूंढे नहीं मालूम चला, तो हम लोग 6 तक यहाँ आए। 6 को आने के बाद जब हम लोग उसको सीरियस लेके पुलिस के पास गए मेट्रो को लेके, तो मेट्रो पुलिस उस समय घुमा दी थी कि नहीं कहीं गए होंगे, सूचना नहीं, 2 दिन बाद आ जाएंगे, 4 दिन बाद आ जाएंगे। तो एक व्यक्ति के द्वारा माध्यम पता चला था उस समय कि जो लास्ट टाइम भाई से मिला हुआ मिला और वो उन्हीं समुदाय से बिलोंग करता था, वो बताया कि मैं उस समय बाजा बजाता था, जो उस समय भाई को देखा था उसने बताया कि भाई के साथ इनको देखा गया था लास्ट टाइम। तो जिनका वो नाम बताया वो मुस्लिम थे, उनका नाम सोनू करके बच्चा था, सोनू सोनू करके बुलाते थे और उसके लगभग 3-4 भाई हैं सब। अच्छा, वो सब बॉम्बे रहते थे उस समय, आए हुए थे और उसमें से एक का महिला थी, हिंदू महिला के साथ उसका संबंध होता है, जिस मैटर को लेकर ये आरएसएस में काम करते थे उसको समझाए भी थे। उसी मैटर को लेकर फिर वही मैटर उनको मालूम चला था तो उसको बुलाए थे, उसी लड़के से जो लास्ट टाइम देखा था उसी से बोल के बुलाए थे कि उसको थोड़ा सा बुलाना, चर्चा करना उससे, और वो लगभग मैं रुकूँ तो वो चला गया था बाजा बजाना। वो तो 7 दिन गया था और लगभग 2 दिन बाद आया था। 2 दिन बाद आया और उसने देखा कि मामला गंभीर है, तब उसने हम लोग को सूचना दी कि मैं लास्ट टाइम इनके साथ उनको देखा गया। जब उसकी पता उसके लिए उसके उन लोगों के पिताजी को पता किया गया तो वो लोग गुमराह करने लगे कि हाँ मेरी बात उनसे हुई है, आपका भाई इनके साथ यहाँ गया है, वहीं लड़ाई हुई हुई है, चोट लग गया है और आ जाएंगे 2 दिन तक 3 दिन तक। अच्छा, मतलब इनकी फैमिली ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपके भाई और उनके मतलब जो लड़के हैं वो साथ ही में हैं? हाँ, साथ में। अच्छा, ठीक है, फिर क्या हुआ? इस पर पुलिस में जो दबाव बनाया गया तब उनके माता पिता को उठाया गया। जब उनके माता पिता को उठाया गया तब मामले को धीरे धीरे जानकारी हुई और ऐसे करते करते 10 दिन बीत चुका था और अभी जो
तुरंत जो घटना हुई है इसमें जो संदिग्ध लाला करके लड़का है जो उसमें भी मेरे भाई के मैटर में। अच्छा, मतलब ये रसड़ा गांव का जो बलात्कार वाला मामला है उसमें जो अभियुक्त है वो आपके भाई के भी मामले में अभियुक्त था। अच्छा ठीक है, वो उसमें बॉम्बे में भाग गया था और उसी के माध्यम से मालूम चला था कि भाई की हत्या हो चुकी है। अच्छा, हत्या करने वाले ये इन्हीं के ग्रुप के 5-6 लड़के थे और वो सब जब बॉडी के लिए पूछी गई तो वो बाहर ही बाहर जौनपुर आके पुलिस वालों के लिए मिल गया। लगभग 10 दिन बाद वही आके मौके पर बॉडी दिखा के पुलिस को, सबसे पहले उसी की गिरफ्तारी हुई थी तो मौके पर आके बॉडी को उन्हें चिन्हित की थी। पुलिस ने रात को 12:30-1 बजे क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मैटर हो चुका था क्योंकि वो RSS में कार्यरत थे और RSS में कार्यरत करने के कारण घटना टोटल मुस्लिम था और उस मैटर का रीजन ये था कि उसमें मदरसा बनाना चाहते थे। अच्छा, ये मदरसा कौन बनवाना चाहता था? ये मुस्लिम समुदाय। अच्छा, पूरा समुदाय। हाँ, और उसमें मुस्लिम संगठन भी एक्टिव था और दूसरी चीज़ जो सोनू था उसका एक हिंदू लड़के के साथ संबंध भी था। अच्छा, उसको भी लेकर ये विवाद चल रहा था पुराना। समझाना चाह रहे तो मदरसा के विरोध में इन्होंने एक पेपर साइन करवाया था पूरे गांव में कि हम इसकी ज़रूरत नहीं है, यार मस्जिद है और कुछ दूरी पर मदरसा भी है। उसमें पूरे गांव वाले साइन भी किए थे कि नहीं, यहाँ होना नहीं चाहिए। उसका ज्ञापन भी उन्होंने उस समय यहाँ वहाँ दिया था, अपने स्तर पर जहाँ भी लेना था उन्होंने दिया था। जिस समय उस घटना को हम लोग थाने तक भी पहुँचाए थे लेकिन उस घटना को पुलिस ने अपने हिसाब से जोड़ तोड़ के अलग दिखाया। अच्छा, मदरसा क्यों ना बने, ये इनका विचार क्यों था? मदरसा तो बुरी चीज़ है नहीं, तो मदरसा रोकना क्यों चाहते थे? मदरसा इसलिए रोकना चाहते थे कि यहाँ पे जो गतिविधियाँ थी वो एजुकेटिव गतिविधियाँ नहीं थी, यहाँ बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे। इनको जाति और धर्म के बारे में सही जानकारी न देकर उनको अलग दिशा निर्देश दिया जाता था। नहीं, ये करने वाला कोई संगठन था, मुस्लिम संगठन या हिंदू संगठन? संगठन था जिसमें उस समय उसको जो प्रमोट किया गया घटना होने के बाद जो उनको सपोर्ट मिला उस सपोर्ट में मैं देखा क्योंकि उस घटना में फिर मुझे मालूम चला उलेमा काउंसलिंग और मुख्तार के कुछ लोग उसमें इनको सपोर्ट देने के लिए आए तो बैकअप उनका वही से था। अच्छा, मतलब एक छोटे से शहर चंदवक जौनपुर का एक हिस्सा है इसमें मुख्तार जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया था? इन्वॉल्वमेंट लोगों का घटना पहले तो उनको संगठन के साथ ही जब हम घटना हिंदू मुस्लिम का हुआ और ये हाई लेवल तक पहुंचना चालू हुआ तब उसको इन्वॉल्व। अच्छा, कर लिया गया बता के कि मदरसा को रोकने की कोशिश किए थे गई थी और उसमें मदरसा का जिक्र ही नहीं किया। अच्छा, उस मैटर को पुलिस ने दबा दिया, किसने दबा दिया क्योंकि उस समय हम लोग इतने दुख में थे कि इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हाँ, फिर हम अपने दुख में ही थे और 10 दिन बाद भाई की बॉडी मिली थी और घटना की वजह से कोई चीज़ पर चर्चा नहीं कर पा रहा था। हाँ। लेकिन उसका जो सबूत थे और लोग बताए थे और वो पेपर कागज़ सब कुछ दिखाया गया था घर से लेकर तो लेकर ये घटना की और इसमें जो संदिग्ध लड़का है लाला जिस मैटर में था उसी के माध्यम से मालूम चला था और उसी ने सबका नाम बताया था। अच्छा, लगभग 6-7 लोग थे, घटना 2009 की ही है और उसके बाद हुई केस कचहरी चला और धीरे धीरे घटना को दबाया दिया। उस घटना के बाद उससे पहले तो ठीक नहीं, एक मिनट मैं रुकूंगा आपको। जब आपने एक चीज़ का जिक्र करा कि आपके भाई RSS से थे, आप RSS से थे यानी आपका पक्ष और उधर दूसरा पक्ष उलेमा काउंसिल से था। हाँ, जो उस समय दोनों संगठन थे, एक हिंदूवादी चेहरे के लिए देखा जाता है, एक मुस्लिमवादी चेहरे के लिए देखा जाता है। तो जब उलेमा काउंसिल एक्टिव होकर आपके मामले में आपके कहना कथानुसार कि वो दबाने का काम कर रही थी, तो RSS उस समय कहाँ थी? इस मामले को लेकर RSS के क्या विचार थे? RSS का विचार उस समय तो मैं जान पाया, कारण क्या था कि एक इनके एक षड्यंत्र के कारण इनके घर में इनको अपनी माताओं को ये सब उसमें एक हत्या इनके घर पे हुई थी। किसके घर पे हत्या हुई थी? उसकी माँ, सोनू की जो माँ थी। हाँ, अभियुक्त था। उसकी माँ थोड़ा सा दिमाग से वो डैमेज थी। अच्छा। हाँ, उस समय सब भाग गए थे, वो घर पे ही थी और ये सब घटना उनके साथ करके उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दिए थे। अच्छा, ये लोग अपने मतलब माँ के ऊपर भी ऐसा वो सब तो भाग गए थे उनके माध्यम से, उनके टीम के माध्यम से, अब जो संगठन में संगठन जो भी उनका किया हो। हाँ। और उसमें मतलब एक हत्या दूसरे पक्ष में भी हो चुकी थी। हाँ, हो चुकी थी और उस पर उन्होंने मेरा नाम और जो मतलब जो आपके घर के लोग थे उनका नाम डाल दिया। फिर नाम डलवा दिए और उसके बाद मैं मुझको भी पुलिस थाने ले गई थी। हाँ। तो उस समय घटना का पूरी जानकारी मुझे नहीं हो पाई थी कि RSS या कोई संगठन घर पे आया कि नहीं आया और घटना
जैसे आपने आप जब पीएससी लग गई थी लगभग। हाँ वो तो सही है कि माहौल गड़बड़ हो जाता, जातिगत माहौल बन जाते, लेकिन जब आप छूट के आए तो आरएसएस उसके बाद लगभग कितने दिन बाद आप इस मामले से बाहर निकले? मैं लगभग दो महीने के बाद छूट के आया था। आपके ऊपर भी मर्डर केस लगा होगा, उस महिला के मर्डर का, है ना? जब दो महीने बाद आप छूट के आए तो आपने इस चीज़ का जिक्र किया या महसूस किया या जाना कि आरएसएस ने इस मामले में इन्वॉल्वमेंट रखा था, आरएसएस आई थी, कुछ पता चला था? नहीं, मुझे जानकारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मुझे छूटते ही मैं क्या कि यहाँ रहता नहीं था। मैं एमपी में पढ़ाई करता था और मैं उसी समय एमपी में डॉक्टरी पढ़ाई करता था और घटना के आने के कारण मुझे इसमें फंसा दिया गया था और मैं चला गया था जेल। छूटने के बाद फिर मेरा मुझे तुरंत यहाँ से हटाया गया था, घर वालों ने तुरंत मुझे फिर तुरंत भोपाल भेज दिया गया कि मेरी जो छूटी पढ़ाई है उसको कम्प्लीट करना है और मुझे इस घटना और इस मैटर से दूर रखा गया। मेरे घर इसमें इन्वॉल्व नहीं होने दिया कि नहीं तुम इस मैटर में नहीं हो, क्योंकि मेरे भाई के साथ इसकी घटना हो चुकी थी। तो लगभग 2 साल उसके बाद मैं गाँव नहीं आया था। मैं अपना पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद फिर गाँव में आना जाना चालू करा। अच्छा, लेकिन जब मैं 2 साल बाद या जब भी आया तो पता चला कि यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो इतना मनवर हो चुके थे कि यहाँ के लोगों को सताना चालू कर दिए थे और आए दिन यहाँ के जो बच्चे थे। नहीं, मनबड़ कैसे, मतलब कैसे कह सकते हैं? गाने मतलब ऐसा है कि जैसे रोड पे चलने वाले बच्चियाँ, क्योंकि ये सब पढ़ते पढ़ना लिखना इनका काम नहीं, कोई बच्चा इनका कोई पढ़ता उठता नहीं है, तो वो क्या कि उनको संगठन सपोर्ट करती है। अच्छा, यहाँ कौन सा संगठन, हिंदू या मुस्लिम दोनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ दोनों पक्ष में सबसे एक्टिव संगठन कौन कौन से हैं? सबसे एक्टिव संगठन के बारे में तो जानकारी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं यहाँ पर लगातार रहता नहीं, लेकिन लोगों से ही मालूम चल पाता है मुझे कि यहाँ पे जो मुस्लिम लड़के हैं वो आए दिन रोड पे चलने वाले लड़कों को, लड़कियों के ऊपर कमेंट करना, बड़ी बड़ी गाड़ी के पीछा करना, गांव तक जाना छोड़ना, ऐसी हरकतें करते हैं। और मेरे भाई की घटना के बाद 2 साल तक इनके साथ कुछ वैसा कुछ हुआ नहीं था, तो ये धीरे धीरे ये इनका देखने को मिला। किसी लड़के से लड़ाई करना, मारपीट करना, वीडियो करना, ऐसे करना। अच्छा, अभी आपकी कॉलर ट्यून जो बजी है वो आरएसएस की प्रार्थना कही जाती है जी। तो इस हत्या के बाद, जो आपके भाई का हत्या हुआ था, उसके बाद भी आपका परिवार आरएसएस से जुड़ा है? मैं आरएसएस से जुड़ा है और लगातार इसमें कार्य, क्योंकि आरएसएस से मैं यहीं से नहीं, हमारा परिवार यहाँ से नहीं जुड़ा है, हमारा परिवार भोपाल में भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इसमें हिंदू के लिए और देश के लिए काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, उसको लेकर हम लोग कार्य करते हैं। और किसी भी गरीब परिवार के लिए कहीं भी कमी, जैसे अभी कोरोना महामारी थी, तो हम अपने पूरे संगठन से, उस समय मैं यहीं था, पूरे संगठन से मिलके साथ मैं पूरे गांव घर घूम घूम के गरीबों से लेके घर घर तक राशन बंटवाने का भी, सारे कास्ट में, हाँ सारे कास्ट, मुस्लिम्स को भी, मुस्लिम कास्ट में भी जो उस लायक थे उस मुस्लिम कास्ट में भी दिए थे, उसका फोटो भी हमारे पास है कि हम मुस्लिमों के घर भी गए थे जो उसमें। अच्छा, आप मानते हैं कि एक जाति बुरी हो सकती है, एक समुदाय बुरा हो सकता है? नहीं, आपके भाई की हत्या हुई है, जो किया है उसमें 5-6 लोग थे, सारे के सारे आपने बताया मुस्लिम थे, उसके बाद भी आपने उन लोगों की मतलब मदद की कोविड में, जो मतलब उस तबके थे जिसको निचला तबका कह सकते हैं, गरीब जो, हाँ जो उनका व्यवस्था नहीं पाया, हाँ असहाय, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ मैं यहाँ रहता नहीं था। हाँ। मैं यहाँ के ग्राम प्रधान से एक सूची बनवाया था कि जो इस काल में जिन्होंने अपने कर्मियों को तकलीफ हुई, मुझे 100 लोगों के 150 लोगों की सूची बनवा दीजिए जो अति गरीब हैं, जिनके पास भोजन नहीं मिल जाता, तो मुझे एक सूचना वो मिला था जिसमें सब परिवारों का नाम था। अच्छा, उसमें आपने नोटिस किया मुस्लिम भी थे? हाँ, मुस्लिम। तो फिर कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा भाई, है हम लोग हिंदू तो हम एक समुदाय के लिए कार्य नहीं करते, हम अपने मतलब सेवा भाव के लिए आपने उनकी भी मदद कर, हम उनकी भी मदद की और उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे साथ घटना हुई तो उनको लगा, पहले वो डरे जब उनके द्वार पर गया सामान देने तो उनको लगा क्या है, फिर जब उनको लगा कि नहीं इस भाव से आए, मेरी हेल्प करने के लिए भाव से आए, तो उनको भी अच्छा लगा और तब से उनका आना जाना। अच्छा, इस मामले का मतलब जो आपके भाई के मर्डर का मामला था वो बाद में कैसा, मतलब अभी भी केस चल रही है या क्या है इसका प्रक्रिया, कुछ कोई अभियुक्त अंदर है या विक्टिम्स कहाँ हैं? विक्टिम्स उसके बाद तक थे, लगभग 3-4 साल केसेस चले। हाँ। और ऐसे मैं घर से, उसके बाद मैं अकेला घर का लड़का बन गया था और मेरी पढ़ाई चल रही थी और मुझे दिक्कतें आगे भविष्य को लेके घर वाले चिंतित थे। क्रॉस केसेस, डबल मर्डर थी। हाँ। और क्रॉस मेरे जॉब के लेके देखिए, अगर क्रॉस केस का मिलना जुलना कुछ था ही नहीं, और पढ़ाई को लेके आगे दिक्कतें आएंगी, इनको जॉब में लेने में दिक्कतें आएंगी, गवर्नमेंट जॉब केस चलेंगे तो कहीं आना बाहर जाने में दिक्कत आएंगी, तो उस मैटर से लेके उन्हीं तरफ से पहल की गई थी कि भाई जो हुआ उसके लेके कम्प्रोमाइज़ के लिए उनका एक मेरे गार्जियन के पास आया था, लोग आए थे कि मैटर जो हुआ घटना हुई उस चीज़ को बोल के कम्प्रोमाइज़ किया जाए, क्योंकि इन बच्चों का भी भविष्य है
और उनका जो है कि नहीं है उसकी जानकारी तो है नहीं, क्योंकि पढ़ते नहीं, तो उसको लेकर उनको चिंता नहीं। 10 साल केस चले या 20 साल केस चले, उससे दिक्कत थी नहीं। तो वो घर वाले डिसाइड किया कि नहीं, अब एक ही बच्चा है और उसकी पढ़ाई है, और अगर ये केस तैयारी करता ही रहेगा तो आगे की जिंदगी उसकी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं रोकूंगा, उन सबके पास जैसे हम लोगों ने जब एनालाइज किया चंदवा को, तो हमने ये सुना कि उनके पास महंगी बाइकें हैं, कार है, उनके पास कलेक्शंस है अच्छे अच्छे स्पोर्ट बाइक का, बुलेट है, जो बाइक मतलब 1-1.5 लाख के ऊपर की आती हैं, और ये भी पता चला कि उनके पास रहने का ढंग का घर तक नहीं है। तो ये शौकियत कैसे पूरे हो रहे हैं? अब शौकियत उनका यही, क्योंकि फंडिंग बाहर से आती है, जो भी घटना हुई है उसी फंडिंग का नतीजा है। इनके पास आए दिन गाड़ियाँ चेंज होती रहती हैं, नई खरीदते हैं या सेकेंड हैंड वगैरह मंगाते हैं? अब नहीं कर सबके नंबर प्लेट लगे रहते हैं, तो अच्छा, नहीं तो कह नहीं सकते कि नहीं लेटेस्ट गाड़ियाँ लेके आते हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जैसे ये अपनी गाड़ी जमा की है, दूसरी गाड़ी लेके आ गए, 10 दिन महीने पर रखे हुए उसको, लेके घूमे पूरा क्षेत्र में, और उसके बाद 10 दिन फिर वो चली गई, तीसरी आ गई, इस तरह से देखने को मिलता है। किस किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट या कोचिंग के ये चक्कर लगाते हैं, लगभग कौन कौन से, कुछ लिस्टेड बताइए। गाँव एरिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो नहीं है, लेकिन एक चंद्र जो हम लोग का मेन मार्केट है वहीं पर इंस्टीट्यूट है, और पूरे क्षेत्र के बच्चियाँ बच्चे सब वहीं पढ़ने जाते हैं। हाँ। इनकी टाइमिंग फिक्स रहती है, सुबह ये 9-10 बजे जो बच्चों के टाइमिंग होते हैं। हाँ। ये सब लाइन से जितने आया था। अच्छा, उस दरमियान 10-90 वुमेन हेल्पलाइन का जो जिक्र होता है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, उस समय ऐसी गाड़ियाँ भी दिखती हैं पुलिस वगैरह की कि भाई बच्चियों के सेफ्टी के लिए? हाँ, आते हों गाड़ियाँ तो लगातार घूमती रहती हैं। ये सोहदे उठाए जाते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, जैसे क्या बच्चियाँ डरी रहती हैं और सबको मान सम्मान का प्यार रहता है, तो वो किसी कोई शिकायत किसे करने नहीं जाता कि नहीं, उसे घर पे जाके कहती भी हैं कि नहीं ऐसी दिक्कतें मेरे घर साथ में होते हैं, लड़के आते जाते हैं, और पुलिस पे इसलिए केयर नहीं करते, उसमें बच्चों का ही टाइमिंग रहता है। हाँ। और ये सब भी वही बच्चे गलत है, उसी एज के रहते हैं, उसको पुलिस कन्फर्म नहीं कर पाती कि स्टूडेंट है कि ये इस प्रक्रिया से निकल रहे हैं, लेकिन उनका सुबह शाम दोनों टाइम का यही प्रक्रिया था, यही जो सुनने को मिलता है कि आए दिन ऐसे ऐसे। और इस घटना के बाद तो लोग खुल के बोलने लगे कि इन लोग की अति हो गई थी, ये लोग बहुत करने लगे थे, आए दिन सबसे लड़ ले आते थे, हर कुछ करने लगे। अच्छा, अभी तक कुछ चीज़ें जो और क्लियर हुई हैं कि कुछ और वीडियो, एक वीडियो वायरल हुआ है उस बच्ची का जिसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया था, वहीं पे जिक्र हो रहा है कि कुछ और वीडियोस हैं इनके पास हैं, लोग यहाँ के बता रहे हैं हम लोगों को, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, इसकी भी जानकारी मुझे हुई, इस घटना से पहले एक जानकारी हुई थी, यहीं पर एक आकाश स्वामी करके था, वो ऐसा था कि वो बंदा कहाँ का ये नहीं मालूम था, लेकिन वो किसी हिंदू लड़की के साथ उसकी शादी हुई थी, और लगभग यहाँ लगभग 3 या 4 साल से रह रहा था, उसकी एक आपत्तिजनक वीडियो फोटो पूरा वायरल क्षेत्र में हुआ था, तो उसके संदर्भ में भी थाने पर भाई साहब ने उसका दिया था, तो उसमें पुलिस की ये गतिविधि थी कि जब उसका हस्बैंड इस फोटो में है तो उसके हस्बैंड को कोई जब आपत्ति नहीं है तो फिर उसमें पुलिस क्या कर सकती है, तो उस मैटर को दबा इनका उत्साह और बढ़ा, उसके बाद ये दूसरी घटना उन्होंने किया, और दूसरी घटना में किया और महीनों से करते आए, जब घटना हुआ तो फिर जब संगठन को पता चला, लोगों को जब पता चला, तो सब उसको एक्शन लिए, तो ये कार्रवाई उसके बाद चालू हुई। अब ये कार्रवाई चली रही है, तब तक अभी तक जहाँ तक पूरी अच्छी से जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन बता रहे हैं कि ये घटना और ऐसे है जिसके साथ हुआ है, लेकिन वो लड़की पर अभी मतलब किसी और बच्ची के साथ भी इन्होंने ऐसे दुष्कर्म किया है सामूहिक रूप से। अच्छा, उसका भी वीडियो बनाया है? वीडियो है, लेकिन अभी तक वो मार्केट में तब उसको वायरल नहीं हो पाया है, और सूचना ही मिल पा रही है कि उसमें 12-13 लड़के संलिप्त हैं किसी, लेकिन अभी इसकी जानकारी पुष्टि नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि महंगी बाइकें, कॉलेज की लाइफ, बच्चे, एक इस तरीके से फिजिकल रिलेशन, फिर वीडियो का बाहर आना, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ की बच्चियाँ भी चंगुल में फंसती हैं? जैसे आज का समय ऐसा है कि सब गैजेट्स पे डिपेंड है। हाँ। और इसी चकाचौंध में जैसे बच्चियाँ, उम्र होता है छोटा, 15 साल 20 साल 18 साल की बच्चियाँ होती हैं, और ये गाँव से रिलेटेड थे, सबको गैजेट्स से प्यार होता है, ये सब अच्छे अच्छे गैजेट्स लेके घूमते फिरते रहते हैं, और मतलब लोभ लालच देते रहते हैं, और जिनको कहाँ से इनका फंडिंग आई, अपने फंडिंग का ये भरपूर लगला के मिलके ऐसे करके, जैसे जहाँ पर जैसे अभी जो बच्ची घटना हुई सिलाई सीखने आती थी, उनका इतना पैसा नहीं है कि पढ़ाई कर सकती, और उसके साथ घटना घटने के बाद उसको एक मोबाइल भी जबरदस्ती दे दिए कि हम लगातार मेरे संपर्क में रहा करो। अच्छा। और उसी मोबाइल से उसको फ़ोन करके जबरदस्ती एक महीने तक लगातार उसको ब्लैकमेलिंग करके ये सब घटना करते। तो फैमिली उसकी डिस्कस नहीं की ये फ़ोन आपने कैसे पाया? फैमिली डिस्कस इसलिए नहीं कर पाई, फैमिली अति पिछड़ा है, उसके घर 6 लड़कियां, एक भी लड़के नहीं, और बहुत गरीब परिवार है, उनको अब जैसे
हो सकता है बच्ची भी झूठ हो सकती, झूठ बोल दी हो फैमिली पे, लालच में थी और डरी हुई थी, मैं बता दूंगी मेरे माँ बाप। अच्छा मान लीजिए यहाँ आपने मुस्लिम बच्चों का जिक्र किया, हिंदू बच्चों की क्या हरकत है? ये भी ऐसी कुछ हरकतें तो करते ही होंगे हिंदू बच्चे, तो आज तक ऐसा कोई शिकायत किसी के नहीं मिला किसी के ऊपर। कारण क्या है कि हिंदू बच्चों क्या करें, किसी बच्चे को जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी जाति के, अब उनका इतना समय नहीं कि उनके पास आना जाना के, अगर उनकी टाइमिंग है स्कूल जाने का तो उस टाइम स्कूल जाते हैं। जो स्टूडेंट है वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो सोहदे का मुस्लिम ही है, हिंदू नहीं है कुछ सोहदे टाइप के जो ऐसी आवारगी करते हों सड़कों पर? मतलब घर से इतनी फाइनेंशियली सुविधा नहीं मिलती होगी, ऐसा किसी पास कोई बाइक नहीं है जो अगर सुविधाजनक भी है तो उनका ऐसी कोई बाइक नहीं है जो इस गैजेट्स की दुनिया में उसको देखने पर चकाचौंध कर दिया जाए। अच्छा आप बाई प्रोफेशन आप डॉक्टर भी हैं, आप यहाँ के एरिया से ताल्लुकात भी रखते हैं, कई शहरों में आप घूम रहे हैं टहल रहे हैं, अभी लास्ट मतलब आप क्या विचार रखना चाहते हैं चंदवक इस मामले और ये कास्टिज्म में बढ़ता भेदभाव साथ में इस तरीके के होते हुए वारदातों पर आपके क्या विचार हैं? विचार मेरा यही है कि इन चीज़ों को सरकार ध्यान में दे, ऐसी गतिविधियों को लगातार सर्च करते, क्योंकि इनकी गाड़ियां लगा पुलिस की गाड़ियाँ लगातार रोडों पर चारों तरफ घूमती रहती हैं, लेकिन ऐसी गतिविधियों को पकड़ नहीं पाती हैं, या वो लगातार रोड पर ही रह पाते हैं, ज़मीन पर नहीं आ पाते हैं, संपर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको नॉलेज नहीं हो पाता है। अगर वो लगातार संपर्क करते हैं ऐसी गतिविधियों देखते हैं यहाँ पर अपने सोर्स के थ्रू पता लगा पता करें कैसी गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर बस रोड पे आने जाने आरएसएस क्या करता है? आरएसएस को भी तो कुछ करना चाहिए। जैसे आरएसएस करता है जहाँ तक, लेकिन आरएसएस की टीम यहाँ पर इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मजबूत होते तो शायद वारदात होते, क्योंकि संगठनों पे हमेशा इल्जामात लगते रहे हैं कि जहाँ संगठन जो भी संगठन हो, चाहे आरएसएस हो, उलेमा काउंसिल हो, कोई भी हो, जब एक्टिव होते हैं ज़्यादा तादाद में होते हैं या प्रभावशाली बनते हैं तो वारदात को अंजाम देते हैं। तो आरएसएस भी अगर जिस दिन आई यहाँ तो दंगे जैसा माहौल खड़ा होने लगे। अभी तक तो ऐसा हम बच्चे भी जाते हैं ऐसा कुछ बताया नहीं जाता है इसमें, नहीं ऐसा हुआ दंगा कर दिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, ऐसा क्या समझाते हैं आरएसएस में कि अगर कोई आरएसएस में जब भी कुछ बताया जाता है वो देश के लिए बताया जाए कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सरकार कैसे और उसमें सपोर्ट किया जाए, जैसे जब भी कोई आपदा आती है उसमें आरएसएस अपना पूरा योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, साथ में हमें दुख भी है कि आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो ये मामला दूसरा था, यानी घटना नंबर दो के बारे में हमने जिक्र किया है। इसके साथ ही साथ एक मामले के बारे में और पता चला है जहाँ पे भी हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे हैं और जानते हैं कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम या इस तरीके की क्या हरकतें हुई हैं जो आने वाले समय में चंदवक को झकझोर के रख देगी। मैं था राणा सिंह, फिर मिलेंगे अगली खबर में। धन्यवाद। में दो घटनाओं के बाद तीसरी घटना पर हम आपको लिए चलते हैं और ये उनके भुक्तभोगी हैं जो भी वारदात हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ किस प्रकार से वारदात हुई, किस प्रकार से ये प्रताड़ित हुए हैं। तो बताइएगा क्या नाम है आपका? हमारा नाम वंशधारी सेठ है, मम्मी के नाम गीता देवी है। क्या हुआ था? हमारे यहाँ मतलब हमारा ज़मीन था, उसको मतलब एक मुसलमान है कलाम खान अलाउद्दीन और कई मुसलमान हमारा ज़मीन मतलब हड़पने के लिए अधिकारियों से मिलकर हमारा सारा ज़मीन कब्जा कर लिए और हम लोग को मतलब प्रशासन द्वारा मार पिटवा कर जेल में बंद करा कर रात में सारा सामान जेसीबी से गायब करवा दिए। उसके बाद हमने जब कई बार थाने पर दरखास्त दिया तो हम लोग का कोई सुनवाई भी नहीं हुआ, हम लोग कई जगह दरखास्त दिए लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ के जो मुसलमान लोग हैं हमारे मकान पर लगभग 3.5 घंटे के लगभग पथराव करवाए, 3 घंटे पत्थर हाँ अभी प्रशासन के सामने, उस समय शिवप्रकाश पांडे जी दरोगा खुद मतलब खड़े होकर पथराव करवा रहे थे। दरोगा खड़े होकर हाँ देख लीजिए, आपके प्रशासन भी इसमें संलिप्त था, यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो भी इसमें संलिप्त था। बताइएगा कि आए दिन क्या इस तरीके के वारदात होते रहते हैं मुसलमानों के द्वारा? हाँ, यहाँ पर जो मुसलमान है हम बहुत मनबर टाइप के हैं, यहाँ पे पहले भी 8-9 साल पहले एक मतलब ठाकुर थे, उनका लोग बेरहमी से हत्या कर दिए थे, उसके बाद से ये लोग का मन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब कई लड़कियों का गैंगरेप करना और मतलब हिंदुओं को प्रताड़ित करना और कहीं भी अगर मतलब कई घटना मतलब हमेशा सब करते रहते हैं लेकिन पुलिस से मिलकर ये लोग हमेशा छूट जाते हैं। यहाँ पे जो भाजपा नेता है महेंद्र प्रजापति, यही सब मतलब मुसलमानों का साथ देते हैं। भाजपा नेता? हाँ भाजपा नेता है, उनका चलता है इस समय थाने पर। भाई साहब उसी का चलता, वही सब करवाता है भाजपा नेता। हाँ। भाजपा नेता कभी वो कभी सपा में जाता है, कभी बसपा में जाता है, उसका जुगाड़ कहीं से बन जाता है। इस समय भाजपा में बहुत अत्याचार कराया है, हम लोग संग इतना अत्याचार कराया,
मरवाया पिटवा, हमारा जमीन हम पूरी गृहस्थी का सामान गायब करवा दिया, जबकि उसका वीडियो रखे हम लोग हैं। बहुत अत्याचार किए हैं भैया, रात में स्कॉर्पियो में बैठकर हमारा मतलब जेसीबी से पूरा सारा सामान गायब कराया, उसमें पूरा उसका हम लोग पूरा वीडियो बनाया, लगभग हमारा 20 लाख रुपए का लोग नुकसान किए हैं, और अभी तक भी हमारा मतलब जमीन कई लोग मुसलमानों का कब्जा करा दिए हैं। हाँ, जब हमने उनसे भाजपा नेता से पूछा तो बोला कि अभी तुम्हारा पुर्जा हम ढील कर देंगे, अभी तुम हमारे थोड़ा मुसलमान भाइयों को परेशान किए हो, अब हम तुमको हम बताएंगे, यही सब करके वो मतलब मुस्लिम का साथ देते हैं और बोलते हैं कि वो सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और वही सब मन बढ़ाकर हमारे मतलब हम लोग को परेशान करते हैं, आए दिन धमकी दिलाते हैं, और उन लोगों कई एक गोल बनाए हैं वो लोग, हम मतलब हमको या हमारे परिवार को जब जान से मार सकते हैं। जबकि सर कोई हमको जमीन लिखवाया, हमारे संग था, वो मांग रहा था 5 लाख रुपये कि 5 लाख रुपया तो हम सारी अधिकारी को लेकर तुम्हारा काम करवाएंगे। कौन मांग रहा था? महेंद्र प्रजापति, उसका भी वीडियो है, 5 लाख दो हम तुम्हारा सारा काम करवाएंगे। मेरा पति नहीं दिया, मुसलमानों से मिल करके, पुलिस दरोगा से मिल करके पूरी हमारा जमीन कब्जा करा दिया, पूरी सामान को लूट पूट कर, जबकि उसका वीडियो है। बहुत अत्याचार किए, बाकी कोई सुनवाई भाजपा में हो ही नहीं रहा है। लगभग 1 साल का दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, हमारा FIR भी दर्ज नहीं किया गया, जबकि हमने कई जगह दरखास्त दिया, मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ भी दरखास्त दिया, वहाँ से कागज यहाँ चंदौक थाने पर आया है FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई दरखास्त हमारा मतलब पंजीकृत नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि इसमें भाजपा नेता की संलिप्तता दिखाई जा रही है, जो एक स्लोगन है भाजपा का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो विश्वास तो ये किसी और का जीतने के चक्कर में, जो इनके विश्वास के पात्र हैं उन्हें ही खोते जा रहे हैं ये। तो बताइएगा कि क्या इन लोगों के द्वारा इस प्रकार की और भी घटनाएं लगातार होती रहती हैं? हाँ, ये जो है भाजपा नेता है मतलब मुसलमानों का इतना मन बढ़ा दिए कि एक बगल में ही रसड़ा गांव की एक दलित परिवार की लड़की थी, उसके साथ मतलब ये लोग मिलकर मतलब बगल में बनवासु यादव इंटर कॉलेज है, उसी में ये लोग मतलब उसके साथ गलत दुष्कर्म करके उसका गलत वीडियो बना करके फिर उसको कई दिन से ब्लैकमेल करके मतलब गैंगरेप करते रहे। अभी घटना मतलब 13 तारीख को यहाँ चंदौक थाने में मतलब ये वो लोग अपना दरखास्त दिए, अभी तक उसमें कोई 3 लोग पकड़े गए हैं और लड़की का शायद वहाँ मेडिकल के लिए सदर तो भेजा गया है जी। तो मतलब बहुत इनके पास जी, इनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं। हाँ, इन लोग का मतलब देखने में आप उनके अब घर पे अगर चले जाएंगे मुस्लिम लोग पे देखेंगे कि लगता है बहुत गरीब है, लेकिन लोग गरीब नहीं है, उनके घर में जैसे अपाची हो गया, बुलेट हो गया, R15 हो गया, 4-व्हीलर हो गया, ऐसे ऐसे मतलब ये लोग गाड़ी हमेशा घूमते हैं, जब तक बीरी बारी से चंदवा का 20 चक्कर नहीं माले तब तक इन लोग का मतलब दिन पार नहीं होता है। ये लोग मतलब घर पर मतलब कोई नौकरी वगैरह है कि ऐसे ही नहीं, ये लोग मतलब इनके घर के कई लोग सऊदी अरब की कमाई है हमेशा अपना इधर वहीं से फंडिंग होती है, वहीं से अपना फंडिंग करते हैं। और क्या एक आपको क्या लगता है कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है? ये साजिश में एक भाजपा बता रहे ना कि जो उसमें भाजपा नेता है महेंद्र प्रजापति, इन्हीं के उसकाने से और कुछ जो पहले का जो हत्या किए थे ये मतलब उसी की वजह से लोग मतलब इनका लोग मन बढ़ाया जा रहा है। यही भाजपा नेता क्या नाम है अपने? महेंद्र प्रजापति जी, जो हम अभी कुछ देर पहले पहुंचे थे दलित के यहाँ, उन्होंने भी नाम लिया था लेकिन ये उन्हें स्पष्ट नहीं था कि किस पार्टी से, क्या वही वाले हैं ये? हाँ, ये भाजपा नेता वही है, उसको दलित महिला को रात में ये लोग गए थे उसके घर में धमकी भी दिए थे कि तुम लोग अगर केस करोगे तुम लोग को जान से मार देंगे, दलित महिला थाने पर अपना मतलब बयान दी थी। ये लगातार ऐसा प्रकरण हो रहा है। हाँ, ये मुस्लिमों को इतने अथवा है कि मतलब कई लड़कियों के साथ मतलब सुनने में आया कि वो दलित परिवार की जो लड़की है वो मतलब बता रही थी कि ये मुस्लिम लोग कई लड़कियों के साथ वीडियो बनाकर रखे हुए हैं और उन सबको ब्लैकमेल करके वो दुष्कर्म करते हैं। तो क्या इसमें सामूहिक तौर पर ही किया जाता है क्या ये सब? हाँ, ये सब पहले कोई फंसाएगा और उसके बाद धीरे धीरे सबको पूरा मोहल्ला। हाँ, ये लोग मतलब क्या करते हैं कि मतलब पहले एक लोग फंसाएंगे उसके बाद उसका वीडियो बनाकर कई लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। इन लोग का टीम है 10-12 का टीम है, अब पुलिस उसकी जांच करके अपना खुलासा अपना करेगी। तो ये थी देखिए तीसरी घटना, चंदवक में इस प्रकार के वारदात हो रहे हैं, बीच में ईसाई मिशनरियों की जो संलिप्तता थी धर्म परिवर्तन को लेकर वो भी देखा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जनपद जौनपुर में चंदवक एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, सांप्रदायिक माहौल क्रिएट किया जा सकता है। इस प्रकार के वारदात से बचने के लिए आवश्यक है कि सही समय पर जागरूक होकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ हम सही एक्शन लें। हमारे साथ देखते रहिए DATI न्यूज़, मेहता से उपाध्याय ATI। हम पत्रकार हैं,
हमारा काम है खबरों को आप तक पहुंचाना। खबरों पर कार्रवाई कितनी होती है ये आप पर ही डिपेंड करता है। चंदवक इस समय धीरे धीरे जातिगत मामलों में आगे बढ़ रहा है। जौनपुर जिले का एक बॉर्डर होने के नाते या ये कहें कि विवादित थानों से घिरा है चंदवक। लगातार यहाँ के कुछ मामले इस प्रकार से आते हैं कि जब प्रशासन पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। तो आप इस खबर को इस तरीके से शेयर करिए कि लोगों तक ये बात पहुँचे, अधिकारियों तक ये बात पहुँचे, जिस पर इन पीड़ित लोगों को मदद मिल सके। इस खबर को बनाने में टीम में शिवम उपाध्याय, मैं यानी राणा सिंह, ब्रिजेश यादव के साथ साथ वहाँ स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। हम आपसे उम्मीद करते हैं इस खबर को आप फैलाने में हमारी मदद करेंगे और इन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में एक पहल करेंगे। धन्यवाद।